हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग बाय भानु प्रकाश। और गाइज अभी जैसे बात करते हैं हम लोग कोरोना के उसमें, तो कोरोना वायरस की वजह से पूरा इंडिया आपका 21 डेज के लिए लॉकडाउन है, इट मीन्स कि 14 अप्रैल तक। तो जब तक सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक हम लोग घर पर बैठ के स्टडी करेंगे और डेली एक एक टॉपिक के वीडियोज आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो गाइस देखिए, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बात करते हैं रीजनिंग भानु, यानी कि अगर आप रीजनिंग भानु यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। साथ के साथ अगर आपने शेयर नहीं करा है अपने फ्रेंड्स को तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स होंगे वो आप तक मिलेंगे सबसे पहले। गाइस बात करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कि इन सर्टेन कोड SOBER इज रिटन एज RNADQ, हाउ इज LOTUS कैन बी रिटन इन दैट कोड। गाइज ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था आपसे कब, ये क्वेश्चन पूछा गया था मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन 2013 में। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। गाइज एक हमारे पास आता है अपोजिट याद करने का तरीका, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बता रखा है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो आप सबसे पहले जाके वहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें दिया गया है कि SOBER जिसका कोड है RNADQ, तो RS नीचे से जाएंगे तो +1 और ऊपर से आएंगे तो -1, -1, -1, -1 और -1, यानी सब में लॉजिक कितने का लगा, -1 का। तो गाइज यहाँ पे पूछा गया है आपसे क्या कि LOTUS, तो L-1 क्या करेंगे, तो L में -1 करेंगे तो किससे शुरू होगा, K से। अब K से शुरू होने वाले कितने ऑप्शन हैं, तो जो ऑप्शन K से स्टार्ट नहीं है उसको हटा लो, यानी कि ऑप्शन नंबर B और D हटा लिया। अब O से एक पहले क्या आता है, तो N आता है, O-1 = N आता है, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर हो जाएगा AKNSTR। अब गाइस जब हमारा आंसर इन दो लेटर से मिल ही गया तो बाकी के 3 लेटर को हम यहाँ पे शॉर्ट आउट क्यों करें, क्लियर है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया है आपके पास कि MEAT, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि MEAT और इसको लिखा गया TEAM, इसको क्या लिखा गया है कि TEAM। तो देखिए पूछा गया है किसका, BALE का कोड क्या होगा। तो देखिए ऐसा लॉजिक लग सकता है क्या, लगने को तो लग सकता है, लेकिन देखते हैं क्या ये फुलफिल हो पाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये बी यहाँ पे चला जाएगा और ये ई यहाँ पे चला जाएगा, एल यहाँ पे और ए यहाँ पे, क्लियर है। यानी एक लॉजिक अगर आपके पास ये वाला बन के आता है, ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आंसर बनेगा EALB। तो EALB हमारे पास किसी ऑप्शन में है क्या, तो EALB हमारे पास है ना ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वाटर का कोड गिवन है हमारे पास WATER, वाटर का कोड गिवन है YCVGT, ठीक है। तो वाटर में यानी कि WXY, W में +2 किया हमने, A में +2 किया हमने, RSTEFG यानी सब में +2 कर रहे हैं, तो H में +2 करेंगे तो क्या होगा, HIJ होगा। एक मिनट, यहाँ पे जो हमारे पास का लॉजिक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या कहता है कि व्हाट इज रिटन एज, क्या ऐसा लिखा जाएगा, क्या ऐसा लिखा जाएगा। कुछ स्टूडेंट हैं या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके पास कि एक बार इसे इरेज कर देते हैं, इरेज करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट किस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, क्लियर है ना। अब देखिए अब अगर यहाँ पे मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूँ और मैं आपसे बताऊँ, देखिए ये एक्स है ये वाई है,
तो एक्स का रिलेशन है वाई से, और यहाँ पे क्या कि इसका रिलेशन किससे से होगा, तो ऑब्वियस बात है यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, क्लियर है। अब देखिए, तो जब हमारे पास क्वेश्चन आया कि WATER, तो ये सारा डाटा आपका प्लस टू होता गया, तो यहाँ पे सारा डाटा माइनस टू होता जाएगा, क्योंकि देखिए WATER का कोड है YCVGT। किसका कोड होगा? HKTG। तो ये वाला प्लस टू है, तो ये वाला माइनस टू होगा। तो एच 8 नंबर पे, 8 में से 2 घटाया तो 6, 6 नंबर पे एफ होता है, यानी हमारा जो आंसर है वो किससे शुरू होगा? एफ से शुरू होगा। हमारा जो आंसर है वो किससे शुरू होगा? तो हमारा आंसर जो है वो एफ से शुरू होएगा, क्लियर है ना। हमारा जो आंसर है वो एफ से शुरू होगा। तो एफ से शुरू होने वाले कितने ऑप्शन हैं? एक ही ऑप्शन है, और वो है थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, कि FIRE। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसको क्या लॉजिक दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा गया है HOTEL का कोड क्या होगा। तो कुछ नहीं, एक्स का रिलेशन जो एक्स से है, टी का रिलेशन एक्स से, कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो टी का कोड हो गया एक्स, ए का कोड हो गया ई, बी का कोड हो गया एम, एल का कोड हो गया आर, इस तरीके से कोड होता चला जाता है। तो देखिए पूछा किसका गया है? एच का, तो एच लास्ट में है तो टी हो जाएगा, तो आंसर टी होगा। ओ पूछा गया है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लास्ट से थर्ड जो है वो ओ है, लास्ट से थर्ड आई हो गया, यानी टी आई से हमारा आंसर शुरू होगा, और टी आई से ऑप्शन एक ही है यहाँ पे शुरू होने वाला, और वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सीधा सीधा कोड हो जाएगा कि टी का कोड हो गया एक्स, ए का कोड हो गया ई, बी का कोड हो गया एम, इसके बाद एल का कोड हो गया आर, इसके बाद ई का कोड हो गया ए, ऐसे होता चला जाएगा, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का लॉजिक क्या है ये देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? सी का रिलेशन है ई से, देखिए यहाँ पे सी का रिलेशन है ई से, तो सी डी ई, ए का डी से, तो ए बी सी डी। तो पहले वाले में क्या हुआ कि सी ए आर आई एन जी, और दिया गया है क्या? ई डी वी जी के सी। तो देखिए यहाँ पे कलर एक बार चेंज कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन निकल के आया वो निकल के आया कि सी डी ई प्लस टू करा ए, बी सी डी प्लस थ्री करा आर, एस टी यू वी प्लस फोर करा, लेकिन यहाँ तक क्या हो गया? यहाँ तक माइनस चला गया कि जी एच आई माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फोर। तो सेम लॉजिक जब हम आगे लगाएंगे, सेम लॉजिक, तो पहले क्या हुआ? पहले हुआ प्लस टू, ठीक है, पहले हुआ प्लस टू, फिर प्लस थ्री, फिर प्लस फोर, फिर माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फोर, यही हो रहा था। सेम चीज़ आगे बढ़ाएंगे। तो पूछा क्या गया है आपसे? पूछा गया है कि सी ए एस के ई टी, ठीक है, सी एस के ई टी का कोड क्या होगा। तो सी डी ई ऑप्शन, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ए बी सी डी एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो ई डी ई डी और डब्ल्यू हो गया, ठीक है, ई डी डब्ल्यू हो गया। अब के में टू माइनस करेंगे तो आई होगा, ये बी होगा और ये पी होगा, यानी आंसर ऑप्शन अगर दिया होता तो ये वाला हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। डेमोक्रेटिक, कुछ नहीं किया हुआ है गाइस। देखिए डी ई एम ओ सी आर ए टी आई सी, डेमोक्रेटिक, ये वाला लॉजिक लगा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लॉजिक कौन सा वाला चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है ई डी ओ ई डी ई डी एम ओ आर सी ए टी सी आई, यानी ये यहाँ पर सीधा सीधा, ये यहाँ पर सीधा सीधा, क्लियर है ना, यानी दो क्रॉस हो रहा है और दो सीधा हो रहा है।
तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कॉन्टिन्यूअस का, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, ओ सी एन टी एन आई यू ओ एस यू, तो आंसर किससे शुरू होगा, ओ सी से शुरू हो, ओ सी एन टी, तो ओ सी एन एन, ओ सी एन टी, ओ सी टी एन, एक ही ऑप्शन बचा है और वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जो हमारे पास का क्वेश्चन अवेलेबल कराया गया है वहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। क्वेश्चन नंबर सेवन, जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है गाइस, तो यहाँ पे एक लॉजिक सीधा सीधा क्या होता है, जैसे अल्फ़ाबेट होता है तो प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन इसका कोड ऐसे दिया हुआ है कि पी का कोड हैच है, ए का कोड परसेंटेज है, सी का थीटा है, ई का इसका है, तो पूछा है किसका कि पी ई एस सी ई का कोड क्या होगा, तो पी का कोड क्या हैज है, हमारा आंसर हैज से शुरू होगा, यानी ये ऑप्शन हट गया, और लास्ट में ई है, यानी हैज से शुरू होगा और एट द रेट से ख़त्म होगा, यानी इस वाले ऑप्शन में एट द रेट नहीं है, ये भी ख़त्म, ठीक है। तो पी का हो गया हैज, अब पी के बाद ई हो गया, तो ई का हो गया एट द रेट, लास्ट भी एट द रेट हो गया, ए का हो गया परसेंटेज, ए का हो गया परसेंटेज, और सी सी का हो गया थीटा, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है ना, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर सेवन जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेवन्थ का डी हो जाएगा। गाइज अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आए या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका डाउटफुल रह जाए तो आप उस केस में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा या सॉल्यूशन क्या होगा, क्लियर। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं आपको बताऊंगा और 10 के बाद जो अगला 10 क्वेश्चन है वो हम लोग होमवर्क के तौर पे ले लेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और बाकी के 10 क्वेश्चंस आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे सर्टेन कोड दिया हुआ है, ठीक है, कि बी ई एल आई ई एफ, ठीक है, और इसका कोड यहाँ पे, तो देखिए बी ई एल आई ई एफ जिसका कोड गिवन है ए एफ के डी एच, ए एफ के डी एच, तो बी और ए में जो रिलेशन है, बी और ए में जो रिलेशन है वो -1 का है, ई और एफ में जो है वो रिलेशन +1 का है, फिर के एल -1, आई के बाद फिर बीच में आपका हो गया +2। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ क्या, कि ए एफ के डी एच, ए एफ के डी एच, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है हमारे पास कि बी और -1, ई एफ +1, के एल -1, आई जे के +2, फिर ई, तो ई के बाद क्या है, डी है, तो ये हो गया आपका -1 और फिर एफ जी एच +2, यानी शुरू का तीन जो है वो +1 फिर +2 -1 +2, ठीक है। सेम यही लॉजिक अपने को लगाना है कि माने माइनस प्लस 1 तक का तो क्लियर है, लेकिन बीच में 2 1 2 हो गया, सेम यही लॉजिक लगा देंगे, यानी एस -1 करिएगा तो आर होगा, एस -1 करिएगा तो आर होगा, यानी ये ऑप्शन हट गया, फिर +1 तो ई +1 एफ होगा, ये भी ऑप्शन हट गया, फिर एल -1 करेंगे तो के होगा, आर एफ के होगा, आर एफ के होगा, आर एफ के दोनों में, ठीक है। इसके बाद +2 करिएगा तो डी ई एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, या तो थर्ड या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ओ की बात करते हैं तो -1, तो ओ -1 एन हो जाएगा, एन भी है, और एम का +2 करेंगे तो एम एन ओ, ये भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि क्या लॉजिक रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया गया है कि एल आई ई यू टी ई एन ए एन टी जिसका कोड है 12321210214114020, क्लियर है ना। तो देखिए दोस्त यहाँ पे हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो किस तरीके से अरेंज किया गया है हमें वो देखना है, क्लियर है ना। तो देखिए अगर नॉर्मली क्या लेते हैं हम लोग, कि अब यहाँ पे मोस्टली लोग कन्फ्यूज हो गए कि यार ये
एल का वन ठीक है लेकिन ये आई का टू कैसे है, ठीक है ना। तो देखिए, वन वन थ्री टू 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 टू, कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा है। मतलब जनरली अगर हम जो एक लॉजिक लगाते हैं एज ए स्टूडेंट, वहाँ पे कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए तो वॉवेल कॉन्सोनेंट लगाना शुरू करिए। वॉवेल कितने होते हैं भाई? तो वॉवेल होते हैं कि ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो आई जो है वो वॉवेल में देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट, वन टू थ्री फोर फाइव, पाँचवें नंबर पे यू है। तो एल पहले नंबर पे है और आई, तो आई जो है वो वॉवेल में कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। तो आई जो है वो वॉवेल में तीसरे नंबर पे आएगा। अब एल वन पे और आई टू पे तो नहीं पता चला, तो एल का नंबर हो गया 12 और आई हो गया थर्ड नंबर पे, वॉवेल ई हो गया सेकंड पे, क्लियर है। अब बात करते हैं यू की, यू का लॉजिक यहाँ पे क्या लगा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास यू का लॉजिक लगा हुआ है वो यहाँ पे यू टू नंबर पे दिया गया है, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। यहाँ पे यू जो है वो ये फाइव नंबर पे आएगा, क्योंकि वॉवेल में यू पाँचवें नंबर पे आता है, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हो गया, अब देखिए यू यहाँ पे जैसे 21 गिवन है ना, देखिए यहाँ पे 21 गिवन है, ये वाला 21 गिवन है। तो 21 की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ होता, 21 की जगह पे हमारे पास हुआ होता कि भाई यू फाइव नंबर पे। इसके बाद देखिए टी वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, तो टी कॉन्सोनेंट है तो टी 20 नंबर पे है। फिर ई दूसरे नंबर पे आता है वॉवेल में, फिर एन वॉवेल नहीं है तो एन कॉन्सोनेंट 14 नंबर पे, फिर ए वॉवेल है तो ए पहले नंबर पे, फिर एन वॉवेल नहीं है तो एन हो गया यहाँ पे 14 पे हो गया, क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पे टी, तो टी 20 नंबर पे हो गया। तो यहाँ पे 20 के जगह पे क्या होना चाहिए था, टी 20, तो ये 21 जो है, 21 के जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पेन बदल के, यहाँ पे होना चाहिए था आपके पास 5, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 5, क्योंकि वॉवेल में पाँचवें नंबर पर वो आता है, क्लियर ये चीज़। अब देखिए अब पूछा गया है मैनगो का कोड क्या होगा, तो सिंपली एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो एम का हो गया 13, ए का हो गया 1, एन का 14, जी का 7 और ओ का हो गया 4, यानी कि 131 14 74, 131 14 74, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, हमारा ऑप्शन हो जाता बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे वॉवेल बदला गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, दिल्ली और कलकत्ता और कालीकट का पूछा गया है। तो देखिए डी का 7 कोई मतलब नहीं बनता, तो सीधा सीधा वही लॉजिक रख दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या डी का 7 है, सी ए एल, तो सी ए एल का 825 हो जाएगा, सी ए एल का 825, तो ये हो जाएगा 825। आई, आई लास्ट में है तो आई का हो गया 1, तो 825 एक, ये हट गया ये हट गया ये हट गया, 825 एक, यही बचा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है 10वां, 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है गाइज। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, कि डॉटर का कोड गिवन है और एप्टीट्यूड का पूछा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेके, और अगर मैं बात करूँ यहाँ, ठीक है, आगे, तो देखिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 12 आपका होमवर्क होगा, 13 पे आ जाता हूँ कि न्यूमेरिक वैल्यू यूज किया गया है तो क्वेश्चन क्या होगा। न्यूमेरिक वैल्यू यूज किया गया है तो P16 नंबर पे, अब नंबर कहाँ से लें, तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि सी फी लो रक्स 3 6 9 12 15 18 21 और 24, यहाँ से हम अपने अल्फाबेट के सारे नंबर्स ले सकते हैं। तो P16 पे, E5 पे, A1 नंबर पे, C3 नंबर पे और E5 नंबर पे। तो देखिए 12वें नंबर पे भी हो सकता है या फिर ये एक लेके और 21 हो सकता है, तो 21 का तो कोई है नहीं और A का, तो 12 नंबर पे क्या होता है L, 15 पे O और ये 22, 22 नंबर पे क्या होगा भाई, तो V, और पांचवें पे क्या होगा ई, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा एल ओ वी ई, आंसर यहाँ पे हो जाएगा एल ओ वी ई। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, सेम 14 में भी वही लॉजिक लगाना है हमें,
कि यहाँ पे पी का 5 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी पी का कोड क्या है, पी का कोड 5 है और यहाँ पे भी पी का कोड 5 है, ठीक है। ए का कोड है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी ए का कोड है 3, सेम वही चीज़ है। तो एन का क्या होगा, तो एन PAN, तो एन का हो जाएगा 2, एन का हो जाएगा 2। आई बात करते हैं तो शर्ट में तीसरे नंबर पे क्या है, 6 है, 2 6 होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन हट गया। इसके बाद है एस, तो एस का क्या है, तो एस का है पहला वाला 5, तो 2 6 5 से आंसर शुरू होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या, एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आंसर मिसमैच हो रहा है गाइस। पी का हो गया 5, तो एन का क्या होगा, यही तो पूछा है ना। तो एन जो है वो पंडित में तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे क्या है, 2 है, यहाँ तक ठीक है। आई की बात करते हैं तो आई जो है पंडित में सेकंड लास्ट आई है, तो सेकंड लास्ट 6 है, और शॉर्ट में थर्ड है, तो थर्ड है 6, यानी एक चीज क्लियर हो गया 6। एस की बात करते हैं तो यहाँ पे एस पहले नंबर पे है, और पहले नंबर पे क्या है, 1 है। एच की बात करते हैं तो एच जो है वो दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे क्या है आपका, 7 है। 26 1 7। अब ए की बात करते हैं तो ए हो गया थर्ड नंबर पे, और आर की बात करते हैं 9 नंबर पे, यानी 26 17 39, 26 17 39, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 15 इजी क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसे सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 16 में भी सारे लेटर जो है वो यही वाले सारे लेटर यहाँ पे घूम रहे हैं, देखिए ना, RO RO TA, तो ये वाला TA, ये फिर ये हो गया RE, तो ये वाला RE, फिर GI, तो GI, सब कुछ वही वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 लिख के आंसर टाइप कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 लोगों का गलत हो जाता है, और हुआ भी है काफ़ी सारे लोगों का गलत यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज बच्चे, गलती करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे आपके साथ। देखिए सिंपल सा क्या चल रहा है, चेस्ट एक्सरे, सी का एक्स चेस्ट एक्सरे, ई का इवनिंग, आई का इंडियन रेलवे, GT रोड। अब ये है क्या, मन में आएगा ये है क्या, कुछ भी नहीं भाई, पिछला वाला वीडियो जाइए और देखिए वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, वहाँ पे ए फॉर आज बी फॉर बाय वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आर का क्या होगा, आर का हो जाएगा इंडियन रेलवे, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा, आर का इंडियन रेलवे। ई का इवनिंग, जंगल क्वीन, बुकरे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इवनिंग और दिल्ली वाली, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सर्टेन कोड है बिल्डर का, और उसमें ये आपके पास पूछा गया है कि इनका कोड क्या होगा, ठीक है, इनका कोड क्या होगा। अब देखिए एक चीज़ है आपके पास क्या, कि भाई जब क्वेश्चन नंबर 18 हमने देखा तो बी, देखिए एक बार यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन को, कि BUILDER कोड है JVCKSFE, तो देखिए BCIJUV DERSEF, और ये वाला लॉजिक लग जाएगा 18, क्वेश्चन नंबर 18 में ये लॉजिक लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सही है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो लेवल है या जो लॉजिक है वो सही है। 19 में क्या चल रहा है कि BRIN, देखिए 19 में चल रहा है BRINJAL, तो BRINJAL, ठीक है, तो ये सीधा है, तो इसको उल्टा चला दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 19 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास डाटा क्या गिवन है, लिख देते हैं यहाँ पे कि CURATIVE, और कहा गया है कि BSVDDUHS, ठीक है। तो देखिए ABCDRSUV, ठीक है, STDE,
और यहाँ पे हो गया आपके पास ये यू है, यू यू वी और एच आई, लॉजिक मिल गया। हाफ हाफ पे डिवाइड कर दीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक, इधर का अलग लॉजिक है और इधर का अलग लॉजिक है, आंसर मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है गाइस। इसके बाद बताना चाहूँगा कि आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे 20 क्वेश्चन तक, और बीच में दो तीन क्वेश्चन हमने होमवर्क का लिया है, तो होमवर्क वाले जो क्वेश्चन हैं आप उसे एक बार ज़रूर करके देखें कि क्वेश्चन कैसे हैं, या क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो भी पा रहे हैं या नहीं, इस पर्पज़ से वो करके एक बार देखना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर देखें, और हमारे जो अगले वीडियोज़ होंगे वो आप तक कैसे पहुँचे उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि भाई हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है, ताकि हमें भी पता चलता रहे। कमेंट ज़रूर करा करें आप लोग कि सेशन कैसा था, कैसा नहीं था, या क्या कमियां हैं, या क्या मेरिट और डिमेरिट है, या और क्या लेबल चाहिए आपको, कैसा चाहिए। तो जब तक ये सारी चीज़ें आप हमें नहीं देंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।